बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, पेज नंबर 11। हम इसको क्विकली ख़त्म करेंगे क्योंकि इसके पीछे जितनी भी बैक पे जितनी थ्योरी है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप वो टॉपिक्स ध्यान से देख लें, उनको समझ लें, उनको प्रैक्टिस करें, तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ईजिली योर सेल्फ, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में और बड़े स्टेप बाई स्टेप हमने आपको इसकी जो थ्योरी है वो सारी हमने एग्जांपल सारी समझा दी हुई हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। ये मैं आपको जो है ना समझा देता हूँ वन बाय वन। नंबर 1, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, होल नंबर जो है ना 1 से नीचे 0 भी होता है, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। नंबर 2, सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, सो इट विल बी एन एम्प्टी सेट। नंबर 3, द सेट ऑफ वावल्स अदर देन ए एंड ओ। ए और ओ के अलावा और भी वावल्स हैं, ई आई यू, तो इसलिए ये एम्प्टी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, 1 से कम जो है स्मॉलर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। नंबर 5, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो इवन नंबर्स हैं उनको ऑड नंबर नहीं कहा जाता, 2, 4, 6 अगर इवन नंबर्स हैं उनको हम ऑड नंबर्स नहीं कह सकते, तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसको भी हम क्विकली करते हैं। ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। तो ये जो है ना हल्ला गुल्ला एच ए डबल एल ए, ये हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट है। बी क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कहते हैं 1, 2, 3 सो ऑन, ये चलते जाते हैं, ये इनफाइनाइट होगा, इसको हम नहीं गिन सकते। सी क्या है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर्स, एक ईयर्स में कितने होते हैं 365, उसको हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट है। नंबर डी, इस्लामिक मंथ, इस्लामिक मंथ हमको पता है कौन कौन से हैं, हम वो गिन सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट होगा। ठीक है, नंबर ई इज 369 सो ऑन, ये कंटिन्यूस है, कहीं ख़त्म नहीं होता, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू सी एफ आई एम ओ आर यू, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सी एफ एम आई आर ओ यू, ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट है। जी, 1 over 2, 2 over 4, 3 over 6 सो ऑन, ये कंटिन्यूस है, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो नंबर 3 जो है वो भी हम करते हैं, मैंने आपको बताया हम ये जल्दी से करेंगे क्योंकि हमने बैक पे इसकी थ्योरी जो है वो सारी कर ली हुई है, अगर आप थ्योरी देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, ये जो ए जो है इसमें इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होते हैं, ए में क्या है 1, 2, बी में क्या है 1, 3, 7, इसमें 2 मेंबर है, इसमें 3 मेंबर हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है ए बी और एक्स वाई, ए में क्या है ए बी और बी में क्या है एक्स वाई, इसमें भी 2 मेंबर है, इसमें 2 मेंबर हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद है ए इज़ इक्वल टू -2, -1, 0, 1, इसमें 1, 2, 3 4 मेंबर्स हैं, बी में 4 मेंबर्स हैं, इक्विवेलेंट हो गया। नंबर 4, ए में 0, 1, 2, 3, 4 5 मेंबर्स हैं, और बी में 1, 2, 3, 4, 5 उसमें भी 5 मेंबर्स हैं, इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा जी, 5 पार्ट में ई ए ई आई ओ यू, इसमें 5 है मेंबर्स, और बी पार्ट में 4 हैं, ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद 6 में है द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, ए इज़ इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर्स क्या है 1, 2, 3, 4, और बी में क्या है सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स, वाइट बियर, टाइगर, ठीक है, लाइन, ये 3 है, ये 4 है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद नंबर 7 है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, इसमें 5 हम नाम लिखेंगे, और बी है द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग में 2 कलर्स हैं, तो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें 2 हैं, तो वो हो जाएगा नॉन इक्विवेलेंट।